दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक स्वेट शर्ट बना रहे हैं तो कितना खर्चा आता है, कटिंग से लेके पैकिंग से लेके सब चीज का खर्चा। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एक स्वेट शर्ट बनाने में सर्दियों का कितने पैसे का खर्चा आता है और मार्केट में कितने रुपए का बिकता है। शुरुआत में इसकी कटिंग का, कॉस्टिंग का सारा कॉस्ट बताता हूं। यहां पे जो आप देख रहे हैं, हर कोई सस्ते वाला कपड़ा बना रहा है, बिल्कुल सस्ते वाला। सबसे पहले इस कपड़े का नाम बताएं तो ये कपड़ा स्पन एयरजेट फैब्रिक है। इस कपड़े का नाम है स्पन एयरजेट। होता क्या, शायद ही मालूम होगा आपको। अगर स्पन एयरजेट की बात करें तो 100% पॉलिएस्टर कपड़ा है स्पन एयरजेट, और 100% पॉलिएस्टर स्पन एयरजेट कपड़े का नाम है। इसका जीएसएम की बात करें तो सबसे पहले 270 जीएसएम है ये, ठीक है दोस्तों। और यहां पे हर कोई मार्केट में कहता है कि आपके कपड़े का ये जीएसएम कितना है, इस कपड़े का कॉस्ट कितना है। सबसे पहले जीएसएम पूछते हैं, फिर बाद में कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इस कपड़े की प्राइस की बात करें हम, पर किलो का ये कपड़ा तो ये 250 रुपए किलो आता है और ये कपड़ा आता है 500 रुपए किलो। सबसे पहले मैं 250 रुपए किलो वाले का कॉस्ट निकाल कर बताता हूं। बात करें तो ये एक किलो कपड़ा मान लीजिए 250 रुपए का आया। अब एक किलो में ये दोस्तों स्वेट शर्ट की बात करें, स्वेट शर्ट काफी भारी है, 500 ग्राम तक का ये स्वेट शर्ट होता है। कपड़े की वेस्टेज अलग होती है और उसके ये इसकी वेट तो 350 ग्राम के आसपास जा रहा है, तो 150 ग्राम का तो वेस्ट अलग हो गया। तो मान लीजिए आप यहाँ पे आधी किलो मान लीजिए एक पीस के कपड़े में लगता है, तो कपड़े की बात करें तो अगर हम भाग कर देंगे दो से तो 125 रुपए का कपड़ा। दोस्तों कपड़े का तो आपको पता चल गया कि 125 रुपए का कपड़ा है। अब बात करते हैं, सबसे पहले होता है एवरेज के अंदर क्या, दो पीस निकला तो 125 का तो हो गया अलग। कपड़े का कॉस्ट तो आपने निकाल लिया 125 रुपए का कपड़ा। अब हम कॉस्ट निकालते हैं कि कटिंग करने वाला आपके पास आएगा, अगर बल्क में कटिंग करवाते हो एक बार में 500 पीस, तो 500 पीस की कटिंग की बात करता हूं। पर पीस का आपसे वो लेगा 4 रुपए, एक पीस का कटिंग का लेगा, कटिंग मास्टर आएगा एक पीस काटने का 4 रुपए लेगा। अब उसके बाद आती है स्टिचिंग की। स्टिचिंग का दोस्तों कोई तो 60 पैसे सिलाई लेता है, कोई 70 पैसे, कोई 75 पैसे। अब सिंपल लेके चलिए इसकी अगर सिलाई की बात करें, अगर एक मशीन की इसी दो मशीन की कॉस्टिंग है, एक मशीन तो फ्लैट की मशीन है जो यहाँ का सिलाई देख रहे हैं फ्लैट से करा हुआ है, और उसके बाद गले के ऊपर भी फ्लैट करा हुआ है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं बाजू से भी फ्लैट करा हुआ है। और इसकी हम कॉस्टिंग सिलाई की निकालते हैं दोस्तों, तो फ्लैट वाला अगर सही एवरेज अगर निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले कटिंग का तो हमने 4 रुपए निकाल लिया दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं इंटरलॉक की, कितने रुपए लगते हैं इंटरलॉक की बात करें तो इसके अंदर सिलाइयां देख लीजिए कितनी सिलाइयां हैं। अगर इसको सिलाइयां चेक करना अगर जाए तो दोस्तों सबसे पहले मैं सिलाइयां दिखाऊंगा इसके अंदर कि कितनी सिलाइयां हो रही है। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, एक सिलाई, दो सिलाई, तीन सिलाई, चार सिलाई, पांच, छह सिलाई, तो दोस्तों सिंपल है इसके अंदर। और उसके दो सिलाई इसकी जोड़ेंगे, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, टोटल 14 सिलाई है इसके अंदर। और दोस्तों बिजली सब कुछ लेके 1 रुपए अगर सिलाई लेकर चलते हैं आपको, 1 रुपए सिलाई के हिसाब से 14 रुपए आपका लेगा आपको ओवरलॉक वाला, 4 रुपए और 14 रुपए आपके हो गए 18 रुपए। अब आती है फ्लैट की बात करते हैं, तो फ्लैट पे 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए का खर्चा है इसमें फ्लैट का। तो यहाँ पे 4 × 8 और ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे टोटल 22 रुपए का खर्चा आ गया मशीन का खर्चा। अगर यहाँ पे लेबल लगवा रहे हैं यहाँ पे बैक में, तो अगर लेबल भी लगवाएंगे तो 1 रुपए लेबल लगाने का भी लेगा, तो टोटल कॉस्टिंग आ गई दोस्तों इसकी 23 रुपए। और यहाँ पे 125 रुपए का कपड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 125 और 23 अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 × 8 और 2 × 4 148 रुपए का खर्चा आया नॉर्मल। अब इसके अंदर धागे की अलग खर्चा, बिजली का अलग खर्चा, पैकिंग का अलग खर्चा, ये सारे खर्चे अगर हम जोड़ते हैं तो आप मान लीजिए 10 से 15 रुपए का खर्चा, ये सारा खर्चा आ जाएगा, धागा, बिजली सारी चीज। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ के हो गया 5 × 3 = 13, 5 × 6 = 163 रुपए। यहां तक पहुंच गया हम 163 रुपए का खर्चा। अब आप सोच रहे हो 163 रुपए में एक स्वेट शर्ट तैयार हो गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी कहानियां आ गई, बात करते हैं। तो ये रिब दोस्तों जो मैंने आपको बताया नहीं कि रिब का भी तो खर्चा अलग है दोस्तों, तो ये रिब लगा हुआ है। इसकी डिटेल दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल की मैं बता रहा हूं इसके अंदर रिब की बात करें तो रिब दोस्तों टोटल कॉस्टिंग निकाले तो 50 रुपए का रिब लगा हुआ है।
तो यहाँ पे 3 और 6, 5, 11 का 1 और यहाँ पे 1, 1, 2 ₹213 का कॉस्टिंग दोस्तों। एक स्वाइट सेट बनाने में ₹213 का कॉस्टिंग आता है और मार्केट में यह होलसेल प्राइस 230 से 235 रुपए का जाता है। स्पन एर्जेंट फैब्रिक फुल एकदम एक नंबर का कपड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ₹230 का मिलता है। लेकिन यही चीज आपको कोई कोई ₹150 का दे देता है। ऐसा क्यों देता है ₹150 का? आपको मालूम नहीं है क्यों देता है? मैं बताता हूं आपको ₹150 का क्यों देता है। यहां पे खर्चे की बात करें तो यहां पे आपको साफ दिख रहा है ₹213 का खर्चा आ रहा है और 150 का कैसे देके चला गया? ये ऐसे देके जाता है दोस्तों। कोई बंदा ₹213 खर्च करके बनाया है और ₹230 का मार्केट में बेच रहा है। मार्केट में कोई ले नहीं रहा उसका, मार्केट चली नहीं रही है, दुकानदारी चली नहीं रही है। आजकल महंगाई इतनी हो गई कि लोग उधार ले लेते हैं, देते नहीं है पैसा, तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। लाखों रुपए ब्लॉक होने के बाद मजबूरियों में लॉट में पीस निकाल देता है ₹150 का। वो अपना नुकसान करके ₹150 का बेचता है। लेकिन दोस्तों वो छोड़िए, लॉट की बात अलग है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ ₹213 का खर्चा आएगा। अगर आप बनाना चाह रहे स्वेट सबसे सस्ते वाला स्वेट सेट बढ़िया क्वालिटी में, इससे कम खर्चा नहीं आने वाला। तो ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए रहें सावधान।